नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। कंगना रनौत बॉलीवुड में एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आप पसंद करें या ना करें, लेकिन नजरअंदाज हरगिज नहीं कर सकते। ना तो उनकी एक्टिंग पर सवाल उठा सकते, क्योंकि कंगना की झोली में 3 नेशनल अवार्ड जीते हैं और बेबाकी ऐसी है कि किसी मुद्दे पर कंगना को बोलने से डर भी नहीं लगता है। सुशांत सिंह के केस को ही ले लीजिए, जिसे लेकर कंगना शुरुआत से ही बॉलीवुड में वंशवाद के मुद्दे को उठाते हुए स्टारकिड्स पर नकेल कस रही है। हालांकि उनका बेबाकपन कई लोगों को नागवार गुजरता है, लेकिन कंगना अपने मुद्दे पर अडिग रही। अब कंगना की ओर से बड़ा और बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जी हाँ, कंगना ने अपने ट्वीट के जरिए एक्टर रणबीर कपूर, रणवीर सिंह समेत कई लोगों से ड्रग टेस्ट कराने की बात कही। कंगना लिखती है कि ऐसी अफवाह है कि ये लोग कोकीन लेते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो इन अफवाहों का भंडाफोड़ करें। ये लिखते हुए कंगना ने मोदी सरकार को टैग किया है और उनसे ये अपील की है। बॉलीवुड सितारों के ड्रग्स कनेक्शन पर कंगना ने कोई पहली बार अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे पहले जब सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती का ड्रग चैट सामने आया था, उस वक्त भी कंगना ने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि अगर बॉलीवुड सितारों का नार्कोटिक्स टेस्ट हो तो कई चेहरे सलाखों के पीछे हो। गौरतलब है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ड्रग मामले को लेकर परत दर परत खोलने में लगी है, क्योंकि ड्रग का मामला सुशांत केस में सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। फिलहाल देखना यह होगा कि कंगना की इस अपील की सुनवाई होती है या नहीं।